शांति आप सभी को भी बहुत बहुत स्नेह भरी याद और प्यार दे रहे हैं हेमा बहन और गीता बहन और सभी और बहने जो यहाँ इस टीम में अनुभूति में है बहुत मुझे खुशी है कि कोविड के बाद आज पहली रिट्रीट हो रही है और आप सभी जूम से अभी तक तो ज्ञान सुनते रहे और अभी आपको सेंटर क्या होता है बाबा का रिट्रीट सेंटर क्या होता है उसका अनुभव करने के लिए आपको निमंत्रण मिला है और आप सब पहुंच गए हैं तो आप सबको भी कंग्रेचुलेश क्योंकि कोविड बेबीज फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। बाबा की कमाल है कि और लोगों के लिए तो कोविड का समय बहुत ही दर्द ना है दुख दुख का समय रहा परंतु बाबा के बच्चों के लिए बहुत और सहज सेवा का समय रहा और उस साधन से आप सब बाबा के घर आकर के पहुंचे हो यदि कोविड ना होता तो पता नहीं आप कहाँ घूम रहे होते अभी तक भी कलयुग में परंतु कोविड के कारण बाबा ने आपको खींच करके संगम युग के गुलदस्ते में रख लिया है बाबा कभी कभी ऐसे बहुत सुंदर भाषा में कहते हैं कि वहां तो जंगल है और सत्युग में तो बगीचा होगा और उस बीच में एक फ्लावर पॉट है वो है संगमयुग जिसमें बाबा अपना बच्चों को चुन चुन करके आकर के इस पॉट में रखते हैं ताकि खुद ही बागवान है वो अपनी सारी बगीचे को अच्छी तरह से वो संभाल कर सके तो यहाँ पर अनुभूति में आकर के मुझे लगता है आपको ऐसे ही लगा होगा कि हम माँ बाप के घर आए हैं जहाँ आप रहते हैं वो तो है ससुर घर परंतु ये है माँ बाप का घर जहाँ पर आपको बाबा की प्यार की पालना मिल रही तो विशेष आपको तो बहुत सारी बातें रिट्रीट से मिलेंगी परंतु आज की मुरली की जो विशेष पॉइंट थी वो मैं चाहती हूं कि हर एक अपने पास सौगात लेकर के जाए क्योंकि इतनी सुंदर पॉइंट है जो आपको जीवन भर ये काम आती रहेंगे और बहुत मदद मिलेंगे बाबा ने कहा कि पॉइंट को सिर्फ पॉइंट रूप में नहीं रखो परंतु ड्रामा के पॉइंट को आप ऐसे अपने अनुभव में बना करके रखो कि वो एक शक्ति बन जाए तो आप सोचो कि ड्रामा का ज्ञान तो अभी आपको आदि मध्य अंत का मिल गया और आप वो अनुभव भी करते होंगे कि कैसे जो बाबा ने बताया है कि हाँ फास्ट में हम आदि स्नातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं, फिर चक्कर लगाते लगाते कलयुग में आकर पहुंचे और बाबा ने फिर से हमें उस जंगल से निकाल कर अपना ब्राह्मण जीवन नया जीवन दिया है बाबा ने अपना बना लिया और और आगे बाबा हमें फरिश्ता सुदेवता बनाने का बाबा खुद हमारे ऊपर मेहनत कर रहे हैं तो ये तो सृष्टि चक्कर का परिचय तो मिल गया और साथ साथ अनुभव भी रहा परंतु कभी कभी बाबा ज्ञान के लिए कहती हैं ज्ञान एक ढाल है एक शील्ड है पुराने ज़माने में जब के साथ लड़ाई होती थी, तो उस समय कवच भी पहनते थे और साथ साथ एक अपने सामने शील्ड भी रखते थे तो कवच बाबा कहते हैं वो है योग का कवच और हाँ संसार में माया का घेराव है तो सब तरफ से माया का अटैक तो होता ही है परंतु योग का हम कवच डाल के रखते हैं तो उस कारण से हम माया से बचे रहती हैं और फिर साथ साथ ड्रामा की ढाल अपने साथ बिल को सदा ही रहे तो कुछ भी अटैक होगा तो वो अटैक को शील्ड पर आएगा, आपको कुछ नहीं लगेगा तो बाबा कहते कि ड्रामा को ऐसे आप समझो जो एक शक्ति आत्मा के अंदर आ जाए कैसे मानो कि आज कुछ भी बात होती है किसने कुछ कहा हमारे दिल को बहुत लगा तो बाबा कहते हैं कि जो हुआ सो हुआ परंतु आगे के लिए कोई भी बात कोई भी कारण से आपको दिल के अंदर चुभे नहीं क्यों क्योंकि एक शब्द आप एक इंग्लिश में मैं बताती आप समझ जाएंगे हर्ट हर्ट पीपल पीपल जिस व्यक्ति का जख्म हुआ है वो व्यक्ति फिर औरों को भी इतना दुख देता जो उन्हों को भी जख्म हो जाए वो चाहते नहीं है परंतु जो उन्होंने अंदर दुख अपने में समा करके रखा है जरूरी नहीं है कि उसी सेम व्यक्ति को वो फिर से दुख देवे हो सकता है और उसको देवे भी परंतु कहाँ ना कहाँ जहां पर भी वो व्यक्ति होगा उसका वो जो अंदर जख्म है उस कारण से मुख से ऐसे कुछ कड़वे शब्द निकलेंगे जो दूसरे को वो दुख देगा, ये प्रैक्टिकल बात है परंतु यदि हमने ड्रामा का ढाल अपने सामने रखा है तो जो भी कुछ कोई कहेगा हमारे दिल को नहीं लगेगा पूर्व के जो भी जख्म है वो भी भगवान सर्जन है वो उस सारा उसको मिटा करके समेट करके हमारे हार्ट की भी हीलिंग कर देता कहते हैं कि हार्ट वाज ब्रोकन इन पीसेस और गॉड फुट इट टुगेदर इन पीस तो जो दिल में टुकड़ा टुकड़ा बन गया था किसी ने इस जन्म में पूर्व जन्म में क्या मालूम किस जन्म में क्या हिसाब किताब है परंतु दिल का टुकड़ा टुकड़ा हो गया दुख के कारण तो बाबा पहले तो आकर के पास्ट की बातें ड्रामा फिनिश। उस बात के लिए बाबा कहते हैं बाबा से इतनी प्यार की शक्ति लो जो दिल जो हमारा टुकड़ा टुकड़ा हो गया था वो अब ठीक हो जाए और मन की शांति हमें अनुभव हो अंदर दुख चलता रहेगा तो मन की शांति नहीं हो पाएंगी परंतु बाबा का प्यार दिल को ठीक कर लेता और पास्ट की बातें बाबा कहते ओके फुल स्टॉप भूल जाओ तो फिर आज हमारी वो स्थिति होंगी जो हम मजबूत होंगे ड्रामा के ज्ञान से पास्ट इज पास्ट करके आज हम शक्तिशाली हो सकते हैं तो ड्रामा में ऐसे पावर है जो हमें भी शक्तिशाली बना सकता परंतु साथ ही साथ अभी तक तो जिस संसार में चल रहे हैं मालूम नहीं है कितने आत्माओं का हिसाब किताब आज तक भी चलेगा और चलो मेरा कुछ हिसाब किताब ना भी हो किसी का संस्कार ही ऐसा कुछ हो परंतु जो वो बात सामने आती है यदि हम वो ढाल अपने पास बनाकर नहीं रखते हैं तो फिर दोबारा दुख होगा फिर दोबारा मेरे मुख से भी औरों को दुख मिलेगा तो ड्रामा सचमुच एक ऐसी शक्ति है जो हम कदम कदम पर यूज कर सकती हैं परंतु आप सोचो कि यदि हमारी आदत है बुद्धि को फास्ट फास्ट चलाने की काम हो गया अभी और बातों का बुद्धि चल रही है ये भी करना है वो भी करना है नहीं काम पूरा हुआ एक घड़ी भी बाबू को थैंक्स देवे कि बाबा ये काम समाप्त हुआ अभी और आगे दूसरा काम आरंभ होगा तो उस बीच में जो वो कुछ सेकंड्स होते हैं कुछ सेकंड्स ही होते हैं एक काम पूरा हुआ अभी दूसरा शुरू होने वाला है तो उस सेकंड्स के बीच में आप फिर से बाबा को याद करो तो बाबा के साथ साथ ड्रामा तो बाबा का साथी है ही शिव बाबा ब्रह्मा बाबा साथी है परंतु बाप और दादा के साथ ड्रामा भी साथी है क्योंकि वो भी कदम कदम पर साथ साथ चलते बाप दादा ड्रामा अनुसार चलते परंतु ड्रामा भी बाबा के कहने अनुसार या डायरेक्टर के कहने अनुसार बिल्कुल साथ साथ चलता तो जब हम बाबा को याद करते तो ड्रामा भी फुल स्टॉप का याद आता तो ड्रामा की ढाल हमारे सामने आ जाती फिर से क्या होता है कि फास्ट फास्ट काम करते चलो करते चलो स्तूर हिसाब से ये करना है वो करना है अभी ये करना है अभी वो करना है तो वो मार्जिन नहीं बनती कि हम बाबा का आह्वान करें और ड्रामा के ढाल को अपने पास हम रखें तो बस बहुत सिंपल ट्रिक है एक काम पूरा हुआ बाबा को थैंक्स देना और साथ साथ ड्रामा को सामने रखना तो जो भी नेक्स्ट फेज आ रही है जो भी नेक्स्ट स्टेप आ रहा उसमें हमने अपने सामने ड्रामा के ढाल को मजबूत बना करके रखा फिर कुछ भी हो जाए वो आएंगी बात परंतु वापस चले जाएंगे ड्रामा के ढाल उसको अंदर आने नहीं देती तो जिस तरह से हम अन्य बातों के लिए कहते हैं कि अंतर्मुक्ता की शक्ति हो समेटने की शक्ति हो समाने की शक्ति हो आदाद ये तो आप लोगों को बहुत अच्छा समझ भी मिली है परंतु अनुभव भी क्या होगा परंतु आज जो बाबा ये कहते कि ड्रामा भी एक शक्ति है जिस शक्ति को अपने साथ यूज करो तो फिर आप सदा सेफ रहेंगे तो आप इसका एक्सपेरिमेंट करके देखो क्योंकि बाबा का ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो सिर्फ सुन करके हम करें वाह वाह ऐसे सत्संग नहीं है परंतु ये एजुकेशन है क्लास है तो इस यूनिवर्सिटी में बाबा हमें रोज टॉपिक देता है होमवर्क का और वो होमवर्क यदि हम दिल से करते रहें पहले तो याद रखें कि बाबा ने आज क्या बोला तीन पॉइंट भी आप उठा लेना और फिर उसका आप निरंतर अभ्यास चालू रखना दिन भर जो बाबा ने कहा क्या मैं वो कर रहा हूँ कर रही हूँ इसी तरह से आप मुरली को लेकर के अपना अभ्यास चालू रखेंगे मुरली हमारी स्टडी भी है मुरली हमारी होमवर्क भी है तो जितना जितना आप मुरली का अध्ययन करेंगे उतना मुरली द्वारा आपको शक्ति भी प्राप्त होंगी बाबा का प्यार भी मिलेगा और हर रोज के लिए एक नया खजाना मिलेगा तो मुझे बहुत खुशी है आप सब अनुभूति में आए हैं मुझे पूरा ही विश्वास है कि आप लोगों को बहुत बहुत अच्छा अनुभव होगा ऐसे अनुभव होगा जो आप कहेंगे हम यहाँ से जाने ही नहीं चाहते हैं बिल्कुल जब जब रिट्रीट होती है बाबा की कहाँ पर भी ऐसे ही अनुभव होता है हम स्वर्ग को छोड़ के कहीं और वापस कलयुग में जाने ही नहीं चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी विशेष भी अनुभव होगा और जो घर पे भी बैठ करके सुन रहे हैं या अभी ड्राइविंग करके पहुंचने वाले हैं वो भी मुझे लगता है जो जो बातें सुनेंगे वो आपके काम की बात होंगी खजाना मिलेगा जीवन भर के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ओम शांति एंजॉय योर रिट्रीट थैंक यू जयंती सो मच ऑलवेज अ प्लेजर टू सी यू ऑलवेज अ प्लेजर listen to you i always say you are um, you are number one humble sister in my books <laughs> ever ready whatever whatever we say you never say no so really really appreciate you from the heart thank you so much in actual fact this is second covid babies retreat we had one last year also. Okay. with a lot of restriction we still had one and this Good. is the time so okay. thank you for giving okay. us precious time Okay. okay. Enjoy. Enjoy. Okay. Om Shanti.